कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग लड़की का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है। घर के कमरे में शव लटकता देख परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि दो पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसके बाद युवती का शव फंदे पर लटका मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि यह मामला राजपुर थाना क्षेत्र के पैलावर गांव का है। घटना के समय लड़की का पिता राजपुर थाने में बेटी से छेड़खानी और मारपीट करने की शिकायत लेकर पहुंचा था। पीड़ित पिता का कहना है कि थाने में मौजूद दरोगा ने उसकी शिकायत सुनने की बजाय वहां से भगा दिया। वहीं लड़की के पिता ने छेड़खानी के आरोपियों पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। लड़की के पिता का यह भी कहना है कि जब वे घर पहुंचे तो बेटी उन्हें फंदे से लटकी मिली। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस के लड़कों ने लड़की की हत्या की है। पीड़ित पिता का यह भी कहना है कि थाने में मौजूद दरोगा ने उसकी शिकायत सुनने की बजाय उसे वहां से भगा दिया। वहीं एसपी केशव चौधरी ने बताया कि लड़की की मां ने पड़ोसी और उसके लड़कों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में जाँच की जा रही है। क्या घटना हुई आपके साथ? किसने मारा? ये का नाम राधे श्याम के लड़कन ने और राधे श्याम ने। कौन है ये लोग, क्या करते हैं? ये कटेरिया है, करेक्टा आवारा घूमत है। और फिर हमारी औरत को मारा, हम तो थे नहीं यार साहब, हम तो दुकान पे थे। जब हमें पता चलो ऐसे मारो पहले लम्बा में सब लोग आए तीन यानी, और जब मारपीट करके जब थाने ही गए हम गए तब मतलब फिर मोड़ी फिर नहीं मारो आ रहा है और लौटा गए लगाए गए पकड़ के यही है खतु घर है। थाने का प्रार्थना पत्र कोई सुनवाई हुई आपकी? राधाबंद कुछ भी नहीं सुनवाई हुई, कुछ भी नहीं सुनवाई हुई मेरी, ना हमारी कई बिल्कुल नहीं हुई कि जाओ यहाँ से तेरा तो कहीं ना ये सब तुम्हारा कई साल है, दोनों पार्टी जुटानी है और शायद तुम्हारा चालान हो जाएगा। किसने बोला था? भगा दिया दरोगा जी ने, वही पुलिस वाले बोल रहा था बैठो तो काउंटर। उसके बाद क्या हुआ आपके दर? उसके बाद क्या हुआ आपके दर? उसे हम आए सर, हमें पता चलो कि मुस्कनिया का मार डालो तो भैया भागत भागत आए आए राजपुर से हमें यहाँ। किसने मारा था? इन इनके लड़कन ने, राधे से हमने, राधे से हमके लड़कन ने सभी। क्या नाम है उनका? है ताना मिल्ला उनको नाम। हनी आप कैसे पता चला कि आपकी बच्ची को किसी ने मार दिया या क्या हुआ? थाना राजपुर के पहलावर गांव में आज शाम को 4 बजे एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी को लेकर के दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें मारपीट हुई, जिसमें दो औरतों दोनों पक्षों के लड़के और लड़की दोनों की मां को चोटें आई। और इसकी रिपोर्ट लिखाने थाने गए थे, उसमें छेड़खानी के आरोप में लड़की की मां की तरफ से तहरीर दी गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान उपनिरीक्षक यहां घटनास्थल पर आए थे। इसी बीच पता चला कि लड़की की हैंगिंग से डेथ हुई है और लड़की को यहां लड़की के घर में ही उसकी डेड बॉडी मिली है, उसके दुपट्टे से लिपटा हुआ उसका उसको पुलिस ने पब्लिक की मौजूदगी में उतारा है। उसकी डेथ के मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। उनके परिजनों का आरोप है कि लड़के पक्ष के लोगों ने उसको मार करके टांग दिया है। मुकदमा पंजीकृत करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर अभी तक कितने लोगों को पकड़ा गया है? अभी इसमें जिस पे आरोप है अभी तहरीर दी जा रही है। आरोपियों में से एक की गिरफ्तारी की गई है, शेष भगे हुए हैं, गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, शीघ्र ही मुकदमे को अंतिम रूप दिया जाए। कौन लोग थे वो? दानों के तेरा देश के पूरे दानों और पूरे दानों के लाठी डंडा देखो ये पहले छोड़ दो फिर भैया लाठी धर्म ताने गए सुनवाई भाई ताने में वे लोग आगे पहुंच गए बाबू राम पुलिस वाले से वकील ने तो बातें कर रहो अब मैं अबली मुसल कर लगी अबली जो पुलिस वालों का अबली के जन निकाल के लाओ
राम लियाए अवनी के सैन, हमने कह दई विट्टी विट्टी बोली, हमने पुलिस वाले ने कही डांग डरी कराए लियो तुम्हारे बैठो मेला आए रही है, हमने कही विट्टी तुम करे चलो मैसिया को पानी दे लियो चले। इस बच्ची शादी मारपीट हुई थी हमने 6 बजे 7 बजे घर भेजो और नाम ही बैठे रहे तो ले घर लोग ने मार डालो। किसने मारा आपकी बच्ची को, क्या नाम है उनके, नाम जानती हो? श्याम ने लड़का हनिया ने बिजलिया ए बबुआ ने। आपने पुलिस को शिकायत की पत्र ये कोई कार्रवाई हुई थी? कई डांग डरी कराए ले हमें द्वारे बैठे गए तो हमने पही बिट्टी के संग लिवाए गए थे थाने गए थे भैया थाने कोई नहीं चलो डांग डरी कराए के ये लोग जने काम आई बिट्टी के पीछे लगे चले क्या वजह है बच्ची को मारने का, क्या बन सकता मोड़ी के पीछे पीछे गो स्कूल है। कौन लड़का था वो? उसका नाम छोटो ना छोटू जन बिजली जन काका थे। क्या हुआ था? लोंडा पीछे पीछे जा तो हमने कह दी वके घर है और आनो देन गए हमने की चाची समझाए ले पाए लोंडा को मोड़ी तो इन्हें आज मारो स्कूले जात है लोंडा पीछे पीछे काए जात है कहूं कहते फोन दिए हमसे फोन ले ओ बात करो करे क्यों करो करे भू करो करे पुट्टी अमाई ने बताओ हमें हमने वाके घरे और आनो देन गए। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।